हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ, कोविड पॉजिटिव पेशेंट अगर आप हो जाएं अनफॉर्चुनेटली तो आपको क्या करना चाहिए। कुछ दिन पहले फ्लाइंग बीस्ट जो चैनल है उन्होंने डाला था अपने चैनल पर कि कैसे उनके एक नॉन ट्रू कोविड पॉजिटिव हुए और किस ट्रॉमा के थ्रू उन्हें गुजरना पड़ा, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं था कि एक्चुअल में ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए। तो उसी को लेके मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरे नॉलेज में जितनी भी चीजें हैं, और क्योंकि मेरे खुद के करीबन 15 लोग कोविड पॉजिटिव हैं इस टाइम अनफॉर्चुनेटली, तो उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की और आप इस चीज से क्या सीख सकते हो, और मैं आपको जो जो पता है वो बताना चाहूंगी, क्योंकि इतनी ज्यादा ये बीमारी फैल रही है। और अगर आप घर से निकल रहे हो, आप अर्निंग मेंबर हो अपनी फैमिली के, या बेसिक एमिनिटीज के लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ रहा है, आपके एरिया में बहुत ज्यादा कोविड फैल रहा है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप कंटामिनेट हो सकती है आपकी बॉडी से, आपको कोविड पॉजिटिव अल्टीमेटली सिम्टम्स आ सकते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्या क्या आपकी बॉडी में हो जिसकी वजह से आप सोचें कि आपको कोरोना हो सकता है। एक तो आप ये ध्यान रखें कि आप बाहर जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप जब से लॉकडाउन है आप घर में ही हैं, आपको बाहर जाना पड़ रहा है, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आप किसी भी कोविड पॉजिटिव पर्सन के कॉन्टैक्ट में आए हों और वहां से आपने आपका ट्रांसमिशन जो है वायरस का वहां से हो गया हो। तो अपने फोन पे आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें, क्योंकि आरोग्य सेतु ऐप में मेरे जो नोन थे उनके ऐप पे दिखा रहा था कि यू हैव बीन इन कॉन्टैक्ट विद द कोविड पॉजिटिव पर्सन, वो आपको हेल्प करेगा। साथ में आपकी बॉडी के खुद के सिम्टम्स, फीवर आ रहा है, खांसी है, गले में खराश है, या फिर सिर्फ ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी है, कुछ भी नहीं है बाकी, सिर्फ सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, ज्यादा नहीं बहुत थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही हो, तो भी चांसेस हैं कि आप कोविड पॉजिटिव हो सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सिर्फ सांस की दिक्कत है या बुखार आना चाहिए उसके साथ, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो हालत है पेशेंट्स की, अभी जो सिम्टम्स आप देख रहे हैं, जो मैंने अपने लोगों में देखे उन्होंने, क्योंकि हमारी फोन पे बात हुई, तो एक वैरायटी ऑफ सिम्टम्स है और कुछ भी उनमें से था तो उनको पॉजिटिव निकले वो लोग अल्टीमेटली। तो ध्यान रखें बहुत ज्यादा। सबसे पहली चीज, आप अपने डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करें, लगातार टच में रहें अपने डॉक्टर के, जो भी आपके फिजिशियन हैं वो आपको, चाहे आप फोन पे रहें चाहे आप जा सकते हैं तो जाएं, वो आपको जैसे भी गाइड करें अकॉर्डिंगली। अगर वो आपको कहते हैं सिम्टम्स देके कि आप टेस्ट कराएं, तो आप जल्दी से जल्दी कोशिश करें टेस्ट कराने की। अब अगेन टेस्टिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके टेस्ट कराते हो, तो आजकल स्टार्ट हो गया है कि आप प्राइवेट में जाके टेस्ट करा सकते हो, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो आप प्रेफर करो, क्योंकि वहां कम मारामारी है, उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, जल्दी आपको टेस्ट हो जाएगा, जबकि गवर्नमेंट में उतना ज्यादा दिक्कत हो रही है। अ फ्रेंड ऑफ माइन हैज टू स्टूड इन आरएमएल हॉस्पिटल लाइन फॉर 4 आवर्स, और उनका कहना था कि वहां भी लोग एक दूसरे को मारने को तैयार हो रहे थे, क्योंकि लोग इतने परेशान थे और बहुत मुश्किल से उनका टेस्ट हो पाया, जबकि वो खुद मेडिकल फील्ड से थे, और नॉलेज ना होने की वजह से एकदम यही स्ट्राइक किया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टेस्टिंग हो रही है, और वहीं पे गए और बहुत ज्यादा उनको दिक्कत आई। टेस्टिंग कराओ, जो आसपास आपके घर में है, थोड़ा भी अगर लगता है सिम्टम्स हैं तो जरूर ही टेस्टिंग होगी। अगर नहीं तो भी आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि जो आपके आसपास घर में एटलीस्ट है उनके आप टेस्टिंग करो, और जो जो पॉजिटिव हैं आपके साथ, अगर आप खुदा न करे पॉजिटिव हैं, तो अपने आप को क्वारंटीन करो जल्दी से जल्दी। इस हड़बड़ी में मत आना कि गाड़ी उठा के सीधा अस्पताल भागेंगे, वहां ज्यादा केयर होगी, ऐसा नहीं है। आपके सिम्टम्स माइल्ड हैं, आपको लगता है कि आप ठीक हो, आप अभी शरीर ठीक चल रहा है, तो प्लीज आप बिना घबराए पहले कोशिश करो घर में ही रहने की, बजाय ये कि सीधा हॉस्पिटल भागो, क्योंकि वहां जाके और ज्यादा ट्रांसमिशन के चांसेस हैं। पता नहीं कौन सा वायरस कितना स्ट्रांग हो सकता है जो वायरस आपके बॉडी के अंदर आया हो उसके माइल्ड सिम्टम्स ही आने हो, और आप बाहर जितना निकलोगे हॉस्पिटल एरिया में जितना जाओगे उतना ज्यादा आपको रिस्क की स्थिति आ सकती है। अपने घर में रहें, बहुत सारी चीजें हैं अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए। आयुष काढ़ा बहुत फेमस है, मेरी नेक्स्ट वीडियो उसी पर ही होगी, वो लगातार लो, विटामिन सी लो, मल्टीविटामिन लो, बी का सूल का 30 रुपए का डब्बा आता है वो आप लो, अच्छे से अच्छा खाना खाओ, घबराओ नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो इस बीमारी के सिर्फ नाम से कुछ डेथ्स भी हुई हैं, न्यूज में भी देखा और आसपास भी, जाहिर सी बात है ही इतनी खतरनाक बीमारी, तो घबराना नहीं है,
आप ठीक हो सकते हो अगर आपके सिम्टम्स माइल्ड हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि इसको इतना लाइटली नहीं लेना कि सिम्टम्स माइल्ड हैं तो आराम से घर में कुछ भी कर रहे हैं, क्वारंटीन नहीं कर रहे अपने आप को। आई नो अ पर्सन जिनको स्टार्टिंग में सिर्फ ब्रीदिंग प्रॉब्लम था, थोड़ी सी वीजिंग थी, आवाज आ रही थी सांस में, और अब उनको ब्लड आने लगा है, उनको कफ करने पे ब्लड आने लगा है। इसका मतलब उनके सिम्टम्स खराब हो रहे हैं और वो लगातार डॉक्टर के टच में है, सारी चीजें हो रही है, ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन आपको नहीं पता गाइस कि आपके बॉडी में जाके वायरस कैसे रिएक्ट करेगा। हमारी इस वायरस को लेकर जो लड़ाई है वो सबसे ज्यादा यही है कि हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अभी 3 महीने होने को आए हैं लेकिन फिर भी डॉक्टर्स कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं कह पा रहे। यू नेवर नो आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, सामने वाले की कैसे करेगी, उनको कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, आपको हो सकता है, आपको कुछ ना हुआ हो बट उनको हो सकता है। और इतना ज्यादा खतरनाक सिनेरियो है, उसके बावजूद लोगों का जो इस चीज के प्रति रवैया है वो बहुत लाइट है। इतने पॉजिटिव लोग हमारी जानकारी में है, फिर भी किसी ने मुझसे कहा कि कोई बात नहीं, हो गया तो ठीक हो जाएगा, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न। लेकिन ऐसा नहीं है, जिस पे बीत रही है आप उससे पूछो। लोग उनको कुछ सप्लाई नहीं कर रहे हैं, अब वो लोग स्टूडेंट्स हैं, उनको कोई भी कुछ भी सप्लाई करने को राजी नहीं है, सिर्फ उनके फ्रेंड्स हैं जो उन तक चीजें पहुंचा पा रहे हैं। इसलिए इस चीज को लाइटली मत ले फ्रेंड्स। और ट्रीटमेंट के लिए मैं आपको बोलूंगी कि आप प्लीज जो भी एक आयुष मिनिस्ट्री आपको बता रही है कि आप ये काढ़ा लें, आप वो लें घर में बनाए, मेरी नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर होगी। और साथ ही में आप गिलोय संशमनी मटी जो आती है वो लें, गिलोय का रस लें, मल्टीविटामिन लें, बीकासूल के कैप्सूल 30 रुपीज का सिर्फ एक डिब्बा आता है वो लें आप डेली, एक विटामिन सी लें, सिट्रस फ्रूट्स लें, घर में रहें और अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखें, बहुत ज्यादा हेल्दी खाएं। इस चीज को रिस्क पे ना लें, बहुत लाइटली ना लें। आयुष इम्यूनिटी बूस्टर किट जो प्रॉपर है वो हमारे पास अवेलेबल है, अगर आप चाहते हैं कि वो आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही होम्योपैथी की ट्यूबरकुलिनम 30 हमने ट्राई की है, हमारे एक सीनियर ने बताई थी, तो वी ऑल ट्राइड इट बिकॉज मेरे हस्बैंड होम्योपैथिक फिजिशियन है, और हमने देखा कि जो भी लोग हु वर एट रिस्क ऑफ बीइंग कोविड पॉजिटिव बिकॉज दे वर रेगुलरली गोइंग टू हॉस्पिटल्स एंड ट्रीटिंग कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स, तो उनको सिम्टम्स नहीं आए। ऑफकोर्स आपको रेगुलर चीजें तो लेनी ही है, मल्टीविटामिन, विटामिन सी एंड एवरीथिंग, लेकिन वो मेडिसिन रियली हेल्प्ड। ये हमारे अपने लेवल पे हमारे जो सीनियर थे उन्होंने रिसर्च की। अगर आप ये दवाई चाहते हैं लेना तो आप उसके लिए भी कॉन्टैक्ट हमें कर सकते हैं। यू कैन मेल मी, यू कैन कॉल मी, ऑल द डिटेल्स आई हैव गिवन, नीचे मेल आईडी है, कॉल के लिए नंबर है। गाइस प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ये कोई मजाक वाली चीज नहीं है, आपकी जिंदगी आपके ही हाथ में है, आपकी सारी प्रोटेक्शन आपके हाथ में है। अगर आप घर से बाहर जा रहे हो, अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली हो, तो प्लीज अपना हेड कवर लेकर जाओ, मास्क, अपने ग्लव्स, अपना सैनिटाइजर अपने साथ रखो, जब भी आप घर आओ सब कुछ निकाल कर रख दो, सीधा नहाने जाओ सबसे पहले, एंड पुट सोप एवरीवेयर। आप बालों को भी धो, अपना पूरा बॉडी को सोप से धो, उसके बाद थोड़ा डिटॉल डाल के पानी में उससे नहाओ, टेक एवरी पॉसिबल स्टेप। आप घर से बाहर जाना नहीं रोक सकते, दिस इज नॉट द टाइम, घर चलाना है, बहुत सारे लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ रहा है, लेकिन आपकी प्रोटेक्शन आपके हाथ में है। खुदा ना करे हो जाता है तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं प्लीज इसे फॉलो करें। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो अगर कॉल ना कर पाए तो। और अपना प्लीज 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 ध्यान रखें, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। कोविड पॉजिटिव ना हो इसकी पूरी कोशिश करो, क्योंकि एक बार हो गए कोविड पॉजिटिव तो फिर आपका सफर उतना आसान नहीं है जितना लग रहा है। लोग रिकवर हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिकवरी बहुत आसान है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है, चाहे आपके सिम्टम्स माइल्ड हों चाहे आपके सिम्टम्स सिवियर हों। इसलिए प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और कोई भी अगेन क्वेश्चन है तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।